गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम क्लास टेंथ के इस वीडियो में एक्सरसाइज 4.1 का सवाल सॉल्व करेंगे। इससे पिछले वीडियो में आपको पढ़ाया भी गया था एक्सरसाइज 4.1, इसमें बताया गया था कि द्विघात समीकरण क्या होता है और कैसे उसकी पहचान होगी, उसका व्यापक रूप क्या होता है, तो ये सब बताया गया था। तो आज से हमारा जो सवाल है इसका तीसरा सवाल, आज के लिए पहला सवाल लेकिन चैप्टर का है तीसरा सवाल। करें एक मोटर बोट जिसकी स्थिर जल में 4-5 किलोमीटर प्रति घंटा है, 12 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में वही दूरी धारा के अनुकूल जाने की अपेक्षा एक घंटा अधिक लेती है, तब धारा की चाल ज्ञात करने में हेतु द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए। तो मान लिया जाए, माना धारा की चाल यक्स किलोमीटर प्रति घंटा है। आपको मोटर बोट की चाल पता है 5 किलोमीटर प्रति घंटा, मोटर बोट की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा, तो ये कह रहा है। यहाँ पे आपको ये सोचना होगा, कह रहा है कि 12 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में और वही दूरी का मतलब 12 किलोमीटर धारा के अनुकूल आने में अब जो समय लग रहा है वह एक घंटा अधिक लग रहा है। तो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे समय की बात कर रहा है, तो आपको समय निकालना होगा। तो पहले हम निकाल लें धारा के प्रतिकूल मोटर की चाल, ध्यान दीजिए क्यों चाल निकाल रहे हैं, क्योंकि हमको समय होता है, समय बराबर दूरी बटे चाल, या चाल बराबर दूरी बटे समय। तो हमको चाल समय निकालना है, तो चाल पता होना चाहिए। धारा के प्रतिकूल, प्रतिकूल का मतलब धारा के विपरीत, जैसे धारा इधर से जा रही है और मोटर उधर से आ रहा है, तो मोटर बोट, तो दोनों में अंतर क्या होगा, चाल जो है उसकी चाल घट जाएगी। आप साइकिल चलाते हैं, यदि हवा की दिशा में जा रहे हैं, अगर पूर्वा हवा चल रहा है, आप पश्चिम साइड जा भी रहे हैं, तो आपकी साइकिल तेज चलेगी। अगर पूर्वा हवा चल रहा आप पश्चिम से आ रहे हैं पूर्व की साइड, तो आपकी साइकिल स्लो चलेगी, है ना। तो ये बात है, तो धारा की दिशा में अगर आप जा रहे हैं तो स्पीड बढ़ जाएगी, यानी वो जो चाल होती है धारा की वो जुड़ जाती है। अगर धारा के प्रतिकूल आ रहे हैं आप, तो जो धारा की चाल होती है वो घट जाती है। तो धारा के प्रतिकूल, प्रतिकूल का मतलब होता है विपरीत, धारा के प्रतिकूल मोटर की चाल, तो धारा के प्रतिकूल मोटर की चाल क्या होगी, मोटर की चाल ही 5 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा, तो विपरीत आ रहे हैं आप, तो चाल क्या हो जाएगी, घट जाएगी धारा की चाल, 5 माइनस x किलोमीटर प्रति घंटा, ये होगा धारा के प्रतिकूल। धारा के अनुकूल, मोटर की चाल, तो धारा की दिशा में जाएंगे तो मोटर की चाल, धारा की दिशा चाल जुड़ जाएगी, 5 प्लस x किलोमीटर प्रति घंटा। अब ये धारा के प्रतिकूल और धारा के अनुकूल दोनों दिशाओं में आपने उसकी चाल निकाल ली। अब यहाँ पे है समय निकालना है, समय बराबर करना है, तो दूरी कितना जा रही है, 12 किलोमीटर, तो हम लिखेंगे धारा के प्रतिकूल 12 किलोमीटर जाने में लगा समय। समय निकालना है तो कितना दूरी जाना, 12 किलोमीटर, तो उतने जाने में कितना समय लगेगा, बारह किलोमीटर जाने में समय, समय बराबर आपको पता है दूरी बटे चाल, तो दूरी है 12 और प्रतिकूल है, प्रतिकूल में मोटर की चाल कितना है, 5 माइनस x, ये हो कितना घंटा लगेगा, घंटे में है तो घंटा,
अब धारा के ये प्रतिकूल हो गया, धारा के अनुकूल भी है। धारा के अनुकूल 12 किलोमीटर जाने में लगा समय, समय तो इसमें 12 किलोमीटर जाना है, लेकिन उसकी दूरी बटे चाल, धारा के अनुकूल उसकी चाल क्या है, 5+1 घंटा। अब ये प्रश्नानुसार ये कह रहा है कि इन दोनों में जो अंतर है समय का, वो 1 घंटे का है, तो वो क्या करेंगे, प्रश्नानुसार दोनों को हम बराबर करेंगे, यहीं से समीकरण बनेगा आपका। यह धारा के प्रतिकूल 12/5 - x और यह धारा के अनुकूल 12/5 + x। ये कह रहा है कि धारा के प्रतिकूल जाने में वही दूरी धारा के अनुकूल जाने की अपेक्षा 1 घंटा अधिक लगता है, यानी अगर प्रतिकूल जा रहे हैं तो 1 घंटा अधिक लग रहा है, और धारा की दिशा में जा रहे हैं तो 1 घंटा कम लग रहा है, तो यानी 1 घंटा अधिक, ये कम जो है, ये 1 घंटा कम है, ये 1 घंटा अधिक है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। यहाँ जो कह रहा है, यहाँ का जो ये समय है वो 1 घंटा अधिक लग रहा है, ये 1 घंटा कम ले रहा है, क्योंकि धारा की दिशा में जाओगे समय कम लगेगा, धारा के विपरीत जाओगे समय अधिक लगेगा, ये समय अधिक ले रहा है, ये समय कम ले रहा है, यानी ये समय अधिक है 1 घंटा, ये 1 घंटा कम है, तो हम क्या कर सकते हैं, या तो इसमें से 1 घंटा घटा दें, या तो इसमें 1 घंटा जोड़ दें, सॉरी ये गलत हम कह रहे हैं, ये समय अधिक भी ले रहा है, तो या तो इसमें से 1 घंटा हम घटा दें, या इसमें 1 घंटा जोड़ दें, क्योंकि ये 1 घंटा कम ये ले रहा है, ये 1 घंटा अधिक ले रहा है, तो हमारा जो मन कहे मान लिया हम इसमें 1 जोड़ दे रहे हैं, ठीक है भाई, 1 घंटा ये कम ले रहा है, ये इधर पक्षांतर कर लीजिए, 12/5 - x, ये इधर प्लस में इधर है, -12/5 + x बराबर इधर है, ठीक है, इसको हल कर लीजिए, 12/5 - 60 ये हो गया, +5x 12x, इसका गुणा होगा 12/5 - 60 - 60 होगा, और इसमें गुणा होगा माइनस माइनस का गुणा, +12x बटे ये बना, इन दोनों का गुणा होगा तो आएगा 5 का स्क्वायर, यानी 25 - x² बराबर इधर है 1, गुणा इसका इससे 12/5 - 60, फिर एक्स का गुणा 12 में 12x, इसका 5 का गुणा -12 में -60, माइनस एक्स का गुणा -12 में +12x, ये 60 - 60 + हो गया कैंसिल, ठीक है। अब जो है यहां से हमको समीकरण बनाना है, यहाँ बच्चा 12x + 12x हो गया 24x बटे 25 - x² बराबर इधर है 1, इसको बटे 1 करके दोनों साइड पूरा पूरा भिन्न हो गया, तिरेक गुणा 1 का गुणा इतने में 25 - x² बराबर ये हो गया 24x, इन सबको उधर कर दो तो हो गया ये x² + 24x और ये -25 = 0, ये बन गया आपका समीकरण। ये का क्या कहा है, द्विघात समीकरण का निरूपण कीजिए, तो द्विघात समीकरण का निरूपण ये हो गया आपका, द्विघात समीकरण में ये बदल गया आपका, इसी में आपको बदलना था, ठीक। यहाँ पे यही ध्यान देना था कि प्रश्नानुसार हम बराबर किसको करें, क्योंकि ये समय के बारे में कह रहा है कि जो है 1 घंटा अधिक लेता है या 1 घंटा कम लेता है, तो समय हमको निकालना है, समय निकालने के लिए दूरी चाहिए, चाल चाहिए, तो चाल हमको निकालना है, दूरी दिया 12 किलोमीटर, चाल निकालना पड़ेगा, तो चाल हमने धारा की दिशा में भी निकालना है, धारा के विपरीत दिशा में भी निकालना, तो दोनों दिशाओं से चाल निकाल के अब दोनों दिशा में जाने में लगा समय निकाल लिया, दोनों को बराबर कर दिया, ठीक। अब है अगला सवाल,
कह रहा है दो क्रमांक विषमधन पूर्णांकों का गुणनफल 35 है, इस समस्या को द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए। सवाल नंबर 4, माना पहला धनात्मक विषम पूर्णांक यक्ष है, तब दूसरा धनात्मक विषम पूर्णांक देखिए, विषम पूर्णांक जो केवल जो दो से ना कटे ठीक है वो विषम पूर्णांक होता है, और जो दो से कट गया वो सम पूर्णांक होता है। तो जैसे हमारा सबसे छोटा विषम पूर्णांक 1 है, उसके बाद 3 है, उसके बाद 5 है, उसके बाद 7 है, 9 है, 11, ये सब विषम पूर्णांक है। तो यानी हमारा दूसरा विषमधन पूर्णांक होगा यक्स प्लस 2। क्यों भाई? क्योंकि हमारा जो है पहला, अगर हमेशा हम जानते हैं कि विषम धन पूर्णांक 2 जोड़ने से मिलता, तो 2 हमने जोड़ दिया। क्या कह रहा है कि इनका जो गुणनफल है, अब प्रश्न अनुसार कह रहा है इन दोनों का गुणनफल कितने के बराबर है, 35 है, तो इन दोनों का गुणा किया जाए, यक्स कोष्टक में यक्स प्लस 2, इन दोनों का गुणा बराबर कितना है, 35। अगर हम कहते 5 में 4 का गुणा किया जाए 20, इनका 5 और 4 का गुणनफल 20 है, तो 5 गुणे 4 बराबर 20 होगा कि नहीं होगा। x का गुणा x स्क्वायर प्लस 2x और इधर कर दीजिए माइनस 35 बराबर 0 ठीक है। तो इसको आपको इसी में बदलना था, तो आपका ये बदल गया। अब अगर इसको हल करना तो कन्फर्म है 7 और 5 आएंगे, 5 और 7 आएंगे, उन दोनों का गुणा करेंगे 35 आएंगे ठीक है। तो ये भी सवाल आपका हल हो गया। तो फिलहाल आज के वीडियो में बस यहीं तक, फिर अगले वीडियो में। थैंक यू।